दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं पा रही, क्या आवाज आ रही मेरी आप लोगों के पास? जरा बताइए। आवाज आ रही है दोस्तों। आज का लाइव का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न जिलों में युवा बेरोजगार संवाद के माध्यम से हमने फरवरी के आंदोलन का ऐलान किया था विभिन्न भर्तियों को लेकर, चाहे वो लंबित हो, चाहे नई भर्तियों की मांग हो, चाहे बाहरी राज्य का कोटा समाप्त करने की मांग हो, चाहे सिस्टम में सुधार की मांग हो, तमाम जो मांग पत्र में शामिल मांगों को लेकर हम आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था और उसकी तारीख की घोषणा आज हम कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह माननीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी, विवाद चल रहा है उसकी भी जोधपुर और जयपुर में सुनवाई है। जयपुर में नंबर आने वाला है और 2 फरवरी को डीबी में है। बंद कर दू इसका फोन बार बार है। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बेरोजगारों की तमाम मांगों को उठाने वाला एक सबसे बड़ा संगठन है, ना कि बीएड बीएसटीसी के लिए बना है। कुछ दिनों से बीएड बीएसटीसी यानी कि लगातार अन्य विभागों के अभ्यर्थि कह रहे हैं कि आपको शिक्षक भर्तियों से ही मतलब है क्या? लेकिन उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा मेरे लिए बीएड बीएसटीसी की, दोस्तों अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस टॉपिक पर 2 मिनट चर्चा कर रहा हूं, फिर अन्य विषय को लेकर और आंदोलन की तारीख को लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन क्योंकि इस विवाद को मैं हमेशा के लिए खत्म कर चुका हूं, मैं भूल चुका हूं। मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि कुछ लोग एक ही पक्ष आया था लाठीचार्ज में, उनका मैंने साथ दिया। अब मामला कोर्ट में है, अब न्यायालय इसमें फैसला करेगा। न्यायालय चाहे तो उनको बिठा भी सकता है। वैसे एक चीज और बता दूं आपको मैं, एग्जाम में तो न्यायालय बिठाएगा लेकिन उनको शिक्षक भर्ती लेना या नहीं लेना न्यायालय को ही तय करना है। क्योंकि अधिकतर मामले ये हुआ कि जैसे मान लो अपेयरिंग वाला भी कोई जाता है या फिर स्कूल व्याख्याता भर्ती में, कई ऐसी भर्ती उदाहरण देखा है, उन्होंने कहा उनको बिठाया जाए। हरियाणा में भी कहा था उनको एक बार एग्जाम में तो बिठाया जाए। तो ये तो निश्चित है कि एग्जाम में बिठाने के आदेश तो होंगे अन्य फैसलों के आधार पर जो अन्य फैसले पहले हुए। लेकिन अब उनको जैसे मान लीजिए अब राज्य सरकार ये कहती है कि हमारे पास बीएसटीसी वाले हैं या बीएड वाले हैं या कुछ भी, जो भी चीजें उनको वहां आर्ग्यूमेंट होंगे तो उसके फाइनल फैसला अब कोर्ट को करना है। अब कोर्ट क्या करता है, मान लीजिए अब कुछ लोग जो है ना उसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चैलेंज दे रही है, चैलेंज लेना जब लेता हूं ना किसी के बाप से निडरता चैलेंज पूरा भी करता हूं। लेकिन तुम 2-4 के चक्कर में, बीएड वाले मेरे भाई बहन है ठीक है ना, बीएससी वाले मेरे भाई बहन है, तुम 4 क्या चाहते हो? जब मैं जोधपुर था कई व्यक्ति उल्टा बदतमीजी से बात कर रहा था तो मैंने उसको धमकाया, मैंने कुछ कहा तो उस वीडियो को काट कर आप लोगों ने डाल दिया। देखो ये तो खुले में कह रहा, पूरा वीडियो डालते ना। फिर जब बीच में वो बोला, मैं उसको समझा रहा था, अब वो मेरी पूरी बात नहीं सुना और फिर उन्होंने उल्टा बोला, तब मैंने वो बोला उसको काट के डाल दिया, देखो पेन यादव तो धमकी दे रहा बीएड वालों को, बीएड पूरा वीडियो डालते ना, छोटा सा वीडियो काट करके बदनाम करने की कोशिश की, लगातार डाल रहे हो पेन यादव तो बीएड विरोधी है, ये है वो है। अरे भाई बीएड वाले मेरे भाई बहन है, बीएसटीसी वाले मेरे भाई बहन है। आज भी मैं शिक्षा मंत्री से खुद मिलके आया हूं कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आए, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो भी 5000 पदों पर, और वैकेंसी निकलवाएंगे जैसे ही फर्स्ट ग्रेड 2018 की जॉइनिंग मिलेगी तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, 5000 पदों में निकलवाने की मांग कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी मांग कर रहे हैं। और लेवल 2 में ज्यादा ज्यादा पद आए, जो मेरे एसएस के जो अभ्यर्थी हैं, एसएसटी के जो है संस्कृत वाले इनके कम पद, इनके पद भी आए और वर्गीकरण जारी किया जाए। आज ही मैं मांग रखे आया हूं क्योंकि इन 2-4 चपड़कों जिसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो थोड़ी सी आइडिया बनाकर मुझे गाली गलौज करने की कोशिश करवा रहे हैं, बीएड वाले मेरे भाई है। और मैं कह रहा हूं यदि न्यायालय बिठाते हैं तो मैं क्यों विरोध करूंगा? वो मेरे एक पक्ष आया था मेरे पास में जब लाठीचार्ज हुआ था, इन्हीं लोगों ने कहा था कि यार ये तो साथ नहीं दे रहा, साथ दे दिया तो बोले साथ गलत दे दिया, चारों तरफ से ये कोशिश करते मुझे बदनाम करने की। लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता, संघर्ष करता हूं, धरातल पे काम करता हूं और लड़ता हूं। इसलिए बीएड बीएसटीसी जो अभ्यर्थी हैं, रीट आ रही है 25 अप्रैल को एग्जाम है, लेकिन और भी अन्य विभागों के ऊर्जा विभाग वाले हैं, शिक्षा विभाग वाले हैं, जो और अन्य विभागों के लोग हैं उनकी भी आवाज उठाना, उनका भी काम करना मेरा फर्ज है। मैं इसमें उलझा पड़ा रहूंगा? अब इसमें मैं स्पष्ट पहले कह दिया था, इसमें जिसकी अच्छी दमदार कैरी होगी उसके पक्ष में जाएगा, चाहे बीएसटीसी वाले जीते चाहे बीएड वाले जीते, अब न्यायालय फैसला करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। बीएसटीसी वालों को स्पष्ट कह देता हूं, आप लोगों की जो स्थिति थी, आप लोग जैसे यहां आए घेराव किया, चलो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, विरोध अभी भी कर लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद परिस्थिति दिखी कि हाँ यार आपके साथ गलत हो रहा है, जब सब लोगों ने कहा बीएड वालों की फोर्स दिखी तो मैंने उस समय आपका खुला साथ दिया और साथ दिया सरकार ने आपको बिठा, आपको न्याय दिया यानी कि लेवल फर्स्ट में बीएड को अलाउ नहीं किया। लेकिन अब कोर्ट करता है तो भाई साहब उसमें पेन यादव भी कुछ नहीं करेगा, स्पष्ट कह रहा हूँ। बीएसटीसी वालों को एक चीज और बता दूं मैं, जो बीएड वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं
मैं स्पेशल बीएसटी छोड़ो कह दूं, यदि इनको बिठा के लिया जाए तो आपको दिमाग में टेंशन इस बात की नहीं लेनी है, क्योंकि जो बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं ना जो लोग अभ्यर्थी लेवल टू वाले, वो अपनी तैयारी कई सालों से लेवल टू की कर रहे हैं और दो तीन महीने में वो तैयारी कर भी नहीं पाएंगे फर्स्ट लेवल की। क्या आप सोचो कि यार कोर्ट ने बिठा दिया हम कहां जाएंगे, बर्बाद हो गई, ये दिमाग से निकाल देना। यदि बिठा भी, मैं ये नहीं कह रहा बिठाएंगे लेंगे, लेकिन बिठा भी दिया तो मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि जिससे कि आप टेंशन नहीं हो, क्योंकि जो अधिकतर लोग लेवल टू की तैयारी कर रहे हैं दो तीन महीने में वो इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे लेवल फर्स्ट की, वो उसी के देंगे। इसलिए ये कुछ लोग हैं जो ये उनका काम ही है, क्योंकि इनकी भर्ती में खुद का नंबर पहले आया नहीं था, इनको बस ये करना था कि 8 लाख 9 लाख बेरोजगार है, दो दो चार चार हजार रुपए करके लाखों रुपए कमा के घर बैठ जाएंगे, जनता जाए बाढ़ में, तो वो मुल्क बनाने का काम करे। अरे जिन्होंने याचिका पहले लगाई थी नोटिस जारी हो गया था ना, हो ही गया था, उन्होंने किसी पैसे लिए थे क्या? अरे 2 फरवरी को सुनवाई है। तो अब मामला ये है कि न्यायालय के शरण में है, न्यायालय जो निर्णय देगा वो सर्वमान्य होगा। न्यायालय कहता है कि बीएड वालों को लिया जाता है तो मैं क्यों खिलाफ बोलूंगा बीएड वालों को, न्यायालय ने फैसला कर दिया था। यानी न्यायालय चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, वो कहीं यादव किसी बीएड विरोधी नहीं है। और रही बात ये बात कब बोल रहा हूँ, ये वीडियो नोट कर लेना, ये बोल रहा हूँ सुनवाई का फैसला होने से पहले, नहीं तो ये क्या कहेंगे, ओहो उपेन यादव घबरा गया, वो तो पाला बदल लिया, स्टेटमेंट चेंज कर दिया। मैं पाला नहीं बदल रहा, मेरे लिए सब समान है, मैंने उनका साथ दिया था, अब कोर्ट का निर्णय आ गया तो मैं किसके खिलाफ बोलूंगा, मेरे लिए बीएड वाले मेरे भाई बहन है, ये मेरे भाई बहन है। लेकिन सुनवाई होने से, फैसला होने से पहले ही मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, किसी के बाप से डरता नहीं जो सुंदर चैलेंज देते तो घूम रहे हैं, नहीं डरता हमारा तो फरवरी जो मेरे अन्य बेरोजगार भाई बहन है, भाई राज्य का कोटा समाप्त हो, ये भर्ती आए नहीं, इनके लिए जो तमाम जो मांग पत्र उनके लिए हमारा आंदोलन जारी है और फरवरी में उसका आंदोलन करें, उसकी तारीख अभी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार बी एड बी एस टी सी बात पे क्यों, यार दिमाग खराब कर रखा है यार, जब देखो सोशल मीडिया पे गाली गलौज उल्टा सुलटा, क्या यार क्या मैंने गलत कर दिया आज तक, तुम्हारे वेटेज जो 70-30 जो 30 तक किसने कम करवाया, मेरे दम पे करवाया, उठा के देख लेना, जेल गया सब कुछ किया वो करवाया, आज किसको फायदा हो रहा है, आप लोगों को फायदा हो रहा है। कल आरपीएससी के बाहर जा रहा हूँ 2016-18 और फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो बीएड वाले नहीं है, और आज के अपन देखे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकालो, आज के अपन देखा सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकालो, लेवल टू पर जा देगा वो खेचा, वो बीएड वाले नहीं है, क्यों भाग रहा हूँ आप लोगों के लिए, इन जैसे थोड़ी हूँ कि भाई साहब मुझे पैसे दो ये करना, कभी मांगता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम आप समझे, भयभीत ना हो, जो फैसला इनको कह दो ना कोर्ट भी अच्छे कर लगा थी क्या एक दूसरे को, मैं ये कह रहा हूँ बीएड वाले बीएसटी छोड़ो वाले देते, बीएसटी वाले बीएड वालों को नहीं देते, आपको कोर्ट पर विश्वास करना होगा, न्यायालय ही न्याय करेगा, न्यायालय ने कह दिया आपको बीएसटीसी वालों में बीएड वालों को नहीं बिठाना तो वो न्यायालय के फैसला, और बिठाना है तो वो न्यायालय के फैसला, मानना तो आप लोगों को पड़ेगा ना, हाई कोर्ट का फैसला आ गया डिबिन सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कोई ना कोई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है ना, जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा मेरे लिए, मैंने जितना साथ दे रहा था मैंने दिया है। अब रही बात बीएसटीसी वाले भी ये सोच रहे कि उपेन यादव साथ छोड़ दे, मैंने भाई साथ नहीं छोड़ा, कोर्ट में उपेन यादव की नहीं चलती, कोर्ट में जो तुम्हारे वकील दलील देंगे ना, तुम्हारे वकील पैरवी करेंगे वही चलेगी, उपेन यादव नहीं चलेगी, जो आपके वकील दलील देंगे पैरवी करेंगे, जो बीएड वाले करेंगे सरकार के, अब जज साहब को निर्णय करना है तो वो निर्णय जज साहब को करना है ना, तो कम से कम आप लोग अपना पक्ष खुद रखो, आप मुझे दोष मत देना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि जहां तक मैंने मदद की जो उस समय परिस्थिति अलग बनी, लाठीचार्ज हुआ, आपकी दशा देखी, आप लोग आए उस समय एक ही पक्ष आया था, बीएड वाला कोई नहीं आया था, कि बीएड वाले भी आ गए हैं 200 कहे को पेन यादव जी साथ दो, हालांकि वो आते तो उस समय मैं सोचता कि यार दो पक्ष हो गए, लेकिन वो केवल आप लोग आए, मैंने मेरी आंखों के सामने जो दुर्घटना हुई वो देखी, उसके बाद जो सोशल मीडिया के सबने पोस्ट किया, सबने विपक्ष से लेकर सबने, तो सब मैंने देखा यार सब कह रहे इसके मन मुझे साथ देना चाहिए, फिर मैंने साथ दिया, नहीं साथ देता ना तो ये लोग मुझे बदनाम कर दो, पेन यादव तो भग गया, साथ नहीं दे रहा, साथ दिया मैंने, और साथ दिया तो राज्य सरकार ने आपको शामिल किया। अब न्यायालय से जो भी निर्णय होगा आपको मानना होगा, लड़ना है, चाहे बीएड वालों को देता हूँ एस टी सी वालों को देता हूँ, आपके एडवोकेट दलील करेंगे, आर्ग्यूमेंट वो करेंगे, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, न्यायालय का फैसला होगा वो मुझे भी सर्वमान्य होगा, मुझे भी मान्य होगा, चाहे वो बीएड वालों को बिठाए या नहीं बिठाए, जो होगा वो निर्णय कोर्ट करेगा, उसके उसके लिए हम सबको उस निर्णय को मानना होगा। तो दोस्तों स्पष्ट मैं कह रहा हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन जो ये भी इसलिए कह रहा हूँ कि अब लाइव फाइनल फैसला होने से पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो कहते कि भाई साहब डर गया भग गया स्टेट चेंज कर लिया पता नहीं क्या हो गया, क्या कह रहे थे उसने कमेंट देखता था क्या, बीएसटी से ऑर्डर खरीद लिया, हिंदुस्तान की कोई करेंसी नहीं जो पेन यादव को खरीदवाए, ये तुम्हारी गलत फहमी निकाल दो, और चैलेंज देते हैं ना, चैलेंज में से स्वीकारना भी आता है,
चैलेंज तुम्हारा चैलेंज स्वीकार, पहले भी स्वीकारा है और आज तक चैलेंज लिया कभी हारा नहीं, लेकिन इसलिए तुम दो चार छत्रों की वजह से, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बीएड भाई हैं जिन्होंने भाई बहन है जिनके आपने कोशिश की मेरी छवि उनके सामने धूमिल करने की, वो मेरे भाई बहन है उसकी वजह से मैं उनको चैलेंज नहीं दे सकता, उनको चैलेंज नहीं दे सकता, न बीएसटीसी को चैलेंज दे सकता। ये अब निर्णय कोर्ट का होगा, उसको ही मैं मान्य करूंगा। अब जो करना न्यायालय करेगा, अब मैं बीएड बीएसटीसी विवाद को यही समाप्त कर रहा हूँ। 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, आप तैयारी करें, जितना सहयोग होगा हुआ मैंने किया है। 2018 की वेटिंग है, 3500 पदों पर निकलवा लेते हैं लोग, आज तक किया क्या इन लोगों ने, लेकिन आप लोगों को भ्रमित कर रहे थे। दोस्तों आज से ये बीएड बीएसटीसी विवाद समाप्त हुआ, जो निर्णय न्यायालय करेगा वो आप सबको मानना पड़ेगा। अब अन्य विषय और लोग भर्तियों के लोग जुड़े हैं जो मैं माफी चाहता हूँ कि आप, आपकी बात सही है, आप कहते हो कि आप बीएड बीएसटीसी ये शिक्षक भर्तियों की चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग जितना संयम रखते हो, आप जितना मान सम्मान देते हो, आज हर बात मानते हो, लेकिन ये लोग जब इनका अच्छा हो जाता है तो उपेन यादव जिंदाबाद, पर थोड़ा सा कोई चीज हो जाती है उपेन यादव मुर्दाबाद। ये अपना निजी हित देखते, ये नहीं देखते जिस व्यक्ति ने 9-10 साल घर परिवार छोड़कर आप लोगों को दे दिया, 2012, 2013, 2016, 2018 सबके लिए अनशन करके सारी भर्तियां कंप्लीट करवाई है, सबके लिए अनशन किया है, 2016 के लिए किया, 18 सबके लिए किया मैंने, क्या नहीं किया आज तक? 9 के लग गए वो भूल गए, और जो नहीं लगे अब उनको मौका मिल गया, जो ये छछुंदर घुमराना है, छछुंदर दिमाग से निकाल लेना, मान लीजिए सपोज कर ये क्या सोच रहा है कि ये केस मान लीजिए मैं जीत गया तो उपेन यादव तो खत्म हो जाएगा, मेरा ना हो जाएगा 8 लाख लोगों में। भाई साहब जो बीएड डिग्रीधारी को समझदार है, ठीक है ना, वो न्यायालय करेगा, उससे उपेन यादव कुछ नहीं कर सकता, जीत गए तो अच्छी बात है ना, मेरे भाई बहन लगेंगे ना, वो मेरे दुश्मन थोड़ी है, इसमें उपेन यादव क्या खत्म होगा, उपेन यादव सिनेटो के काम करता है, और जलवा देखना तो फरवरी का आंदोलन देखना, आज जहां भी जा रहे हैं युवा बेरोजगार समाज में वो लोग उमड़ रहे हैं ना, वो मेरे, मेरा जो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं वो मेरे संघर्ष और जो मैंने 9 साल त्याग दिया ना उसका परिणाम है। हर जगह जा रहा हूँ बिना बुलाए, सब लोग इतने मान सम्मान देने आ रहे हैं, तो उनके लिए लड़ूंगा। लेकिन अब और विषय को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा, लगातार फोन भी आ रहे हैं, मैं एक चीज का चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों ऊर्जा विभाग वाले जो 9000 टेक्निकल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, एनएम जीनम भर्ती वाले, पंचायत राज एलडीसी वाले, तमाम भर्ती वालों को कहना चाहूंगा, हम लोग 11 फरवरी को महापड़ाव डालेंगे, ऐलान एजन 11 फरवरी को शाहजा बोर्ड पर हम महापड़ाव डालेंगे, 11 फरवरी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन सही जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्लानिंग और रणनीति तय कर दी गई है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, क्योंकि यूपी में आपने देखा होगा एक वैकेंसी निकाली है, उसमें स्पष्ट कह दिया कि स्थानीय निवासी, अन्य 19-20 राज्यों में भी था, लेकिन हम लोग आपस में लड़ने के बजाय हम सबको मिलकर पहले बाहर राज्य का कोटा समाप्त करवाना होगा। तो 11 फरवरी को हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, 11 फरवरी को स्थान समय आप लोगों को बता दिया जाएगा, सबको बता दूं 11 फरवरी को। तो जो मेरी बहन है एनएमजीनो वाली 2013 वाले, अब ये लड़ाई आपके लिए अंतिम है, मेरे लिए भी अंतिम है, और अब अपनी एकता के साथ अपनी मजबूती दिखाने का समय आ गया है, तैयारियों में जुड़ जाए, 11 फरवरी को ऐतिहासिक आंदोलन होगा और यही दिन देख रहेगा हमारा भविष्य। तो वही नहीं आप जुड़ जाइए, ऊर्जा विभाग के जो लोग 21 तारीख को आए थे मैंने कहा था इंतजार करिए, अब 11 फरवरी को आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए, टेक्निकल हेल्पर वाले हैं जो ऊर्जा विभाग की भर्ती वाले, 11 फरवरी को कितने बजे कहाँ आना वो स्थान और समय बता दूंगा। अब तारीख की घोषणा हो चुकी है, 11 फरवरी को हम महापड़ाव डालने वाले हैं, 11 फरवरी को। दोस्तों मोटर वाहन और आईएन भर्ती का जो मामला था, इसमें जो कैबिनेट की मीटिंग थी, आपको पता है कि उनके एक एमएलए साहब नहीं रहे, गजेंद्र सिंह सक्टावा जी, उसके बाद वो कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल होगी, जल्दी ही वापस होगी, तो इस मीटिंग में मोटर वाहन और आईएन भर्ती के जो नियम संशोधन होंगे उनको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के जाएगी, एक दिन लगेगा उसमें अधिसूचना जारी होने में, तो ये इसके बाद आपकी भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। तो दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग का इंतजार करिए, जल्दी होगी, अप्रूवल मिलना बाकी। फार्मासिस्ट वाली परीक्षा तिथि हो, चाहे लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर वाले हो, चाहे ईसीजी वाले हो, तो दोस्तों तमाम भर्तियों को लेकर, क्योंकि दोस्तों मेरे पास तुम्हारे तमाम मांग पत्र मेरे पास है, आपके मांग पत्र मेरे पास है, जहां जहां आपने ज्ञापन दिया वो मांग पत्र शामिल कर रखा है, मीडिया सोशल मीडिया और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी मांग जा चुकी है, और उन्हीं मांगों को लेकर हम बड़ा आंदोलन डाल कर रहे हैं। तो दोस्तों किसी भर्ती का नाम नहीं लूं, मैं कल ट्वीट के माध्यम से बताया था, भूल गया किसी की भर्ती का नाम, यार भाई हमें भूल गया, अरे मैं भूला नहीं हूं, इंसान हूं, लेकिन इतनी भर्तियों के नाम मैं भूल जाऊं ना, तो आप मांग पत्र आपने सौंपा ना, वो मेरे लिए एक
एक खजाने के जैसे है, वैसे उसको संजो के रखा है कि हाँ ये मांग पत्र मेरे बेरोजगारों की मांगों का है। इसको लेकर अब जो फरवरी में उसको लेकर हम बड़ा आंदोलन कर रहे, तो तमाम जो लोग हैं वो लोग अब 11 फरवरी की तैयारी करें। दोस्तों लाइब्रेरियन भर्ती का जो मामला है कि दोनों पक्ष आते हैं, एक पक्ष कहता है कि रद्द हो, दूसरा पक्ष कहता है कि हमारा परिणाम जारी हो। अब मामला एसओजी में है, मैंने कल ट्वीट के माध्यम से एसओजी से निवेदन किया और निवेदन अब लाइव के माध्यम से कर रहा हूं कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द करें। और निष्पक्ष जांच में आप बिना दबाव में आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है गड़बड़ी आई है तो तुरंत रद्द करें, और आपको लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है कोई गड़बड़ी नहीं है तो तुरंत कम से कम रिपोर्ट सौंपे। तो कम से कम जो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, रद्द हुआ है तो कम से कम जो और भर्तियों की पटवार के अन्य भर्तियों की तैयारी करें, क्योंकि इसके भरोसे नहीं बैठे। और यदि इसमें गड़बड़ी नहीं है तो कम से कम वो रिपोर्ट दीजिए जिससे इनका परिणाम आए, इनको ज्वाइनिंग मिले, कम से कम उन 700 लोगों को ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको रिपोर्ट देनी है, जो करना आज नहीं तो कल करना है। तो कम से कम इसको तीव्र गति से करें तो इन लोगों को 700 लोगों के नतीजा तो खत्म हो कि ये इनको तैयारी करनी है, या फिर क्योंकि रद्द हो गई तो तैयारी करें, या फिर वो रिजल्ट आना है कम से कम तैयारी नहीं करें किस में हमारा हो जाएगा। तो कम से कम ये मैं एसओजी से निवेदन कर रहा हूँ। वही डिप्लोमा वाले कि डिप्लोमा वाले जैन वाले जो कह रहे हैं कि हमारी आंसर की जा रही हो, तो इनका मामला भी एसओजी ने, तो कम से कम एसओजी दोनों की रिपोर्ट दें। और जो भी हो यदि लगता है कि गड़बड़ हुई तो करो, रद्द नहीं हुई है तो भैया कम से कम रिपोर्ट दीजिए, इनकी जो आंसर की रिजल्ट तो जारी हो। अब जो इंतजार करने वाले हैं, देखो मैं एक चीज बता दूं, जो रिजल्ट चाहते हैं दोनों भर्ती होगा, आपको घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ होगी तो भाई साहब उपेन यादव कुछ नहीं करेगा, वो तो रद्द होगा, और गड़बड़ नहीं तो आप क्यों घबरा रहे हो, गड़बड़ नहीं हुई है तो रद्द नहीं होगी। तो अब इसको थोड़ा सा इंतजार करो, फरवरी में सारे आपके मेरे को लगता है दोनों भर्ती का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं, रिजल्ट की आंसर की मांग कर रहे हैं और भी अधीनस्थ बोर्ड की और भी भर्ती की मांग कर रहे हैं, अभी चेयरमैन साहब नहीं आए, सचिव नहीं आए और सदस्यों की नियुक्ति हो रही, इनकी सबकी नियुक्ति होने के बाद ही ई आगे के प्रोसेस स्टार्ट हो, अभी यथास्थिति का नियम लगा हुआ है। तो दोस्तों मुझे पता है पटवार की परीक्षा तिथि के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं, जेई की भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए कॉल आ रहे हैं, मुझे सब पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब अभी टॉन्क था तब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से शाम को 4 बजे मैं मुलाकात करके आया था, कुछ कागज भी देखे आए थे जो मांग पत्र चाहते, और उनको कहा भी था, तो कह रहे हैं कि जल्दी मुख्यमंत्री जी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब की घोषणा करेंगे, सदस्य घोषणा करेंगे, उसके बाद जैसे उनकी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद मॉनिटरिंग होगी, मीटिंग के बाद वो कैलेंडर जारी करेंगे भर्ती परीक्षा को लेकर जो तमाम है ना। तो दोस्तों उनके आने वाली प्रक्रिया शुरू होगी, मेरी नजर में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पटवारी जैन के लिए। स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 के जो 14% वाले मामले में शिक्षा मंत्री को सकारात आश्वासन दिया था, अभी इनका प्रतिनिधिमंडल अभी शिक्षा मंत्री जी के पास गया हुआ, एक बार फिर वार्ता हो रही है, मैं खुद भी जाके आया था। अब इसमें लगता है कि अभी शिक्षा मंत्री जी तो इस मामले में पॉजिटिव है, अब देखते क्या होता है। लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ लगातार मैं पहले भी था कि 14% सीट बढ़ाई जाए, और आज भी मैं साथ हूँ, और फरवरी वाले आंदोलन में इस मामले को भी रखा गया। दोस्तों अब कल नए जो अभ्यर्थी हैं आरपीएससी के, जो कल 10 बजे मैं पहुंच रहा हूँ जयपुर से, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के जो वेटिंग सूची जाकर वो अभ्यर्थी भी जैसे संख्या पहुंचे, 2018 के संस्कृत विभाग के जिनके दस्तावेज विभाग को भिजवाने वो अभ्यर्थी पहुंचे, और जो फर्स्ट ग्रेड की जो दस्तावेज 5 आदमी चयनित अभ्यर्थियों के वो निकालने पूछा है वो भी पूछे, और एएन भर्ती वाले मामले में क्योंकि अभी अधिसूचना तो जल्द जारी हो जाएगी तो उसका परिणाम भी जल्द से जल्द जारी करें। तो इन सबको लेकर कल मैं आरपीएससी जा रहा हूँ, हम वहाँ शांतिपूर्व प्रदर्शन भी करेंगे और अधिकारी से वार्ता करके इन समस्याओं का निस्तारण के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब मैं जयपुर से आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, अब नोट करिए इसमें स्कूल व्याख्या था सेकंड ग्रेड 2018-16 सब सेकंड ग्रेड वाले, फिर भी कहेंगे उपेन यादव की डीएड खेल होती है, मुझको कौन समझाए। लेकिन ये लोग पहुंचे, मैं 10 बजे कल आरपीएससी पहुंच जाऊंगा, हम मिलकर जल्द से जल्द अधिकारी से वार्ता करके इसको समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। 2018 की भी वेटिंग आई सेकंड ग्रेड की, वो भी मामला संज्ञान में। दोस्तों बाल राज्य वाला मामला मैंने आपको समझाया था, एक किसी का एक कमेंट पढ़ रहा था, देखो दोस्तों मेरे पास EWS आरक्षण को लेकर कोई भी नहीं आया, और ये कह रहे थे जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, 2016 में मैंने पिक्चर बनाई थी ना तो उसमें पढ़ना मैंने स्पेशल डाला था कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़े जिनके आर्थिक स्थिति खराब हो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मैंने वो आज भी 2016 के पिक्चर में आज भी है, मैंने तो हमेशा साथ दिया, ऐसा नहीं साथ नहीं दिया। EWS वालों को भी अभ्यर्थियों को भी छूट मिलनी चाहिए, जैसे बीएड में जैसे इनमें छूट मिलनी चाहिए, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, ये अभ्यर्थी मिलेंगे तो मैं इसके साथ जाकर इनका भी ज्ञापन दूंगा कि वास्तव में छूट मिलनी चाहिए। अब कह रहा है कि हमारा साथ नहीं दे रहा कहीं नहीं, अरे जब आओगे तब साथ दूंगा ना, आप आए नहीं तो कैसे साथ दूंगा, फिर भी मैं आपकी मांग रखूंगा आप मुझसे मिले।
दोस्तों अब आपका इंतजार जो समाप्त हो चुका है, मैं 24 तारीख को सुजानगढ़ होगा, हनुमानगढ़ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया, 24 को मैं आपके सुजानगढ़ चूरू में रहूँगा और कल 22 को RPSC अजमेर रहूँगा और अब तैयारी है 11 तारीख की तैयारी में लगेंगे। सभी साथियों से मेरा निवेदन है तमाम भर्तियाँ, ठीक है, मांग पत्र शामिल है, पहले एक लाइव में हर भर्ती में मैं चर्चा कर चुका हूँ, अब उनमें चर्चा नहीं करूँगा तो अब कहते हैं हमें भूला नहीं हूँ, मुझे हर व्यक्ति याद है, अच्छा राज के 10029 भी याद है, ऐसे भर्ती 2016 के 227 भी याद है, नई भर्तियां भी याद है, जो कर्षित रक्षा को DLB के IN और JN हो, फाइरमैन सेफ्टी ऑफिसर ग्राम से होगा, RS भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड PTI पशुधन सहाय टेक्निकल हेल्पर JVN की 2002 जो भी सारी चीज़ें मुझे याद है, सभी नई भर्तियाँ वो मांग पत्र में है, लेकिन बार बार रिपीट करने से, वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं होता। अब आप सबसे मेरा निवेदन है कि अब 11 फरवरी को हम लोग मापड़ाव डालने जा रहे हैं, तो अब ऐलान करते हैं कि 11 फरवरी को हम सब मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान में एक ऐसा सिस्टम स्थापित हो बेरोजगार आयोग के साथ साथ, जो एक हेल्पलाइन, जो जैसे 100 नंबर पुलिस का नंबर होता है ना कि किसी ने भी फोन कर दिया साहब यहाँ घटना हो गई, उसी प्रकार कोई भी एक नंबर हो जो कोई भी सूचना दे सकता है कि परीक्षा सेंटर में गड़बड़ी हो रही है, पेपर वायरल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो जिसे कोई भी शिकायत कर सके फर्जीवाड़ों का, और एक अलग से कमेटी बने फर्जी डिग्री को लेकर भी और पेपर लीक प्रकरण को लेकर, एक कानून भी पारित हो उम्र केंद्र का जिससे ये चीज़ें रुक सके, तो तमाम मामले शामिल हैं हमारे एजेंडे में। PTI भर्ती के भी लोग बीकानेर बैठे हैं, कई दिन से बैठे हैं, 35-36 दिन के करीब हो गए आसपास, उनके मामले में भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, मोनू भाई भी आया था तो वो कोशिश कर रहे हैं कि PTI वाले जो वहाँ काफ़ी समय से बैठे हैं उनको न्याय मिले, और मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं माननीय निदेशक मोदी जी से भी निवेदन करूँगा कि उनको न्याय प्रदान करें, और इस माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से भी मैंने परसों मीटिंग उनकी करवाई थी प्रतिनिधि की, तो कोशिश हर अभ्यर्थी के लिए। दोस्तों इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो एक बार मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, मैं जरूर जवाब देने की थोड़ी देर के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन यही है कि कई बार ये दिल ये कहता है कि जिनके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, जिसे मैंने 9 साल दे दिए, और जो आदमी पहले कोचिंग चलाता था, फिर कोचिंग चलाता था, अपनी कोचिंग चलाने के लिए बेरोजगारों को मूर्ख बनाने आया और फिर वो खुद भर्ती में नहीं लग पाया, आज वो आपको भ्रमित करके बीड वालों से कह रहा है कि कहीं जाओ गाली दो, इंदौर में किसी को फोन करके कहा कि आप विरोध करने जाओ, ऐसी तुच्छ हरकत उसको शोभा नहीं देती, उसको जवाब आप लोग ही दोगे। दोस्तों तो आपसे यही है कि आप खुद अपने दिल पर हाथ के सोचिए, 2012 के बाद जो तमाम भर्तियां हैं अनशन करना पड़ा, लाठियां करनी पड़ी, और 11 फरवरी को भी हम मांग करें, तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड की भी मैं जिम्मेदार ले रहा हूँ, आपकी वैकेंसी आएगी, इनकी ज्वाइनिंग होते ही मैं आपकी वैकेंसी में निकलूंगा, जिम्मेदार ले सेकंड ग्रेड की निकलवाए, लेवल 2 के पद बढ़ाए, हर चीज़ के लिए कोशिश करें, लेकिन ये चीज़ मैं बार बार आज कह रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, ये मेरी पीड़ा है, क्योंकि ये चीज़ें बताऊँ कहीं मेरे को अभी जो ये सेकंड ग्रेड 2016 जो 18 वाले फर्स्ट ग्रेड ये मिले, भाई तुम BEd वाले हो, मैं तो तुम्हारा विरोधी, तुम मेरे पास क्यों आ रहे, तो वो आशा लगे भाई साहब ये कुछ मूर्ख हैं जो जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी मजबूरी समझते हैं, परिस्थिति समझते हैं, जो समझदार व्यक्ति वो तैयारी करे वो मेरे खिलाफ भी नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो है ना जानबूझ के कर रहे हैं उसका जवाब समय देगा। अब मैं देख कुछ कमेंट देख लेता हूँ, किसको लाइव कट गया का चल रहा है, मैं देख लेता हूँ भैया, लाइव रेन का रिजल्ट वाला मैंने इसको जवाब दे दिया है, PTI भर्ती 2018 सूची बिल्कुल 30 दिन से बैठे हैं अशुराम जी, मैं पूरी मदद करूंगा आप लोगों की। इसके अलावा भैया सुरेश कुमार पाटीदार जी कह रहे हैं कि BST वालों के साथ हूँ, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आज बोल रहे हो कि सरकार वकील डिफेंड में, आप अपनी राजनीति मत करो, सही बता दो क्या सबको भ्रमित करो, मेरे भाई मैंने जितना सहयोग हुआ आपका सहयोग किया, सरकार ने आपको आपके लेवल फर्स्ट में वीडियो शामिल नहीं किया, ठीक है ना, अब कोर्ट में मैं लड़ूंगा क्या, कोर्ट में तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अब न्यायालय को जज साहब देंगे मैं दूंगा क्या, मैं क्या भ्रमित करूंगा, तुम्हें इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी फिर मुझे देख लो ये हो गया ना, आज मैंने साफ सुथरी बात कह दी ना, अब BST वाले गाली देने लगे, पहले BEd वाले दे देते, वाह यार ऐसा लगता है कि मुझे BEd BST को भूलना पड़ेगा, सिर्फ बढ़ते हो अपने आप करने दो, ये जो और बेरोजगार है कम से ऊर्जा वाग शिक्षा वाग इनका भला होगा, कम से कम ये याद तो रखेंगे ना, वाह यार कितनी जल्दी रंग बदल देते हैं ये लोग, PTI भर्ती वाले हैं बिल्कुल भैया, 2013 के बाद इनकी बात रखेंगे,
ठीक है सर, आपकी 1534 पद वाली याद है भैया, एजेंडे में शामिल है। एनटीटी के 54 वाला ये मामला गीता बजाज कॉलेज का था, देखता हूँ संबंध में बात करता हूँ दोस्त। कॉलेज लेक्चर की डेट बैठाओ, मेरे से इसका डेलीगेशन अभी तक मिला नहीं, घर बैठे आप कर रहे हो तो मिलो, जितना सहयोग हो मैं आपका करूंगा। फार्मासिस्ट वाले भी लगातार कॉल और मैसेज करते थे परीक्षा तिथि के लिए। इलेक्ट्रिशियन रेडियोग्राफर वाला दोस्तों ये हमारे मांग पत्र में शामिल है। विशेष शिक्षकों की भी हमने मांग की है रीट में कि उनके भी पद निकाले जाए, विशेष शिक्षकों के भी रीट में। 603 LDC 2018 की ज्वाइनिंग वाला देखा, आज मैं बात करता हूँ इनकी ज्वाइनिंग के लिए, पूरी कोशिश करूंगा भाई। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि ये भर्ती आप ही लटकाते हो भैया, कोर्ट में कौन जाता आपको पता है, मैं जाता हूँ कोर्ट में, आप ही लड़ते हो और आप ही जाते हो, आप ही लटकाते हो। पता है मेरे पास कौन आता है, जब वो दुखी हो जाता है ना, या तो रिजल्ट नहीं आता या भर्ती लटक जाती ना, तब वो फिर याद आता है और उसको सुलझाने का काम करता हूँ, नहीं तो उलझाने का काम करता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों के साथ ऊपर आते। ECG वाली भैया मेरे मांग पत्र में शामिल 11 फरवरी को, पशुधन शाही के वेटिंग वाला जो भी इलेक्ट्रिशियन रेडियोग्राफर फर्स्ट ग्रेड एक के प्रमाण से फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 100% आपके निकलवाएंगे इनकी जो नहीं होते। टेक्निकल हेल्पर वाले सैरो तैयार हो जाओ, मैंने आपसे वादा किया था, अब तैयार हो जाओ टेक्निकल हेल्पर वाले, उड़ जाओ आग के, आपकी ऑफलाइन एग्जाम भी होगी, आपकी भर्ती जाएगी। पंकज मीणा जी आपके अभ्यर्थी मुझे मिले थे भरतपुर वाले में, आपकी बात पूछा रही है। उदय सिंह गुजर जी बीएड में लेवल वन वाले शामिल क्यों नहीं होने चाहिए भैया, अब अटेंडेंस में उदय जी यदि न्यायालय करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, न्यायालय करेगा, न्यायालय नहीं करता है तो अब न्यायालय को फैसला करना है, न्यायालय शामिल करेगा तो मुझे एतराज नहीं है, न्यायालय नहीं करता है तो मुझे एतराज नहीं है, अब क्योंकि मैं जितना पक्ष लेना था मैंने ले चुका हूं, जितना करना वो कर चुका हूं, इसका फाइनल फैसला अब केवल न्यायालय करना है। महेश उतार भाई नहीं बुलाओ बाजा राज्य वाला, भूल तुम गए रजाई ओढ़ के सो जाते हैं तुम लोग, कम से कम 11 फरवरी को निकलो, फिर कहना कि बाहर राज्य को कोटे का क्या हुआ, अब लड़ाई का ऐलान कर दिया 11 फरवरी को, निकलो घर से। कानाराम जी कह रहे हैं, सारण कह रहे हैं कि BSTC ओनली, भाई अब इसमें न्यायालय ही फाइनल फैसला देगा, न्यायालय देगा, आपके जो भी लोग हैं आप अपने एडवोकेट्स को कहो वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, बीएड वाले वो करवा रहे हैं, अब न्यायालय का पक्ष वही है, जूनियर अकाउंटेंट वाली नहीं भर्ती रहेगी पुरानी के लिए कोशिश करें। टीटीआई का मांग करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट बताओ, बिल्कुल मिलो मेरे से एक बार आप आके, जितना सेव मैं करूंगा। हाँ रीड, हाँ आज जो एक चीज और भूल गया था मैं, 3 फरवरी डेट रीड 2016 है ना अंग्रेजी विषय वाली, इसके SLP वापस लेने की मांग मैंने आज शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी है। साइंस मैथ वालों की मैं पूरी मदद करूंगा, कोर्ट से पेज लाते हैं साइंस मैथ की, 100% आपकी सूची निकलवाएंगे, जैसे 18 की निकलवाई ना तो 2016 साइंस मैथ की भी, और जो संस्कृत बाकी है ना वो भी सूची जारी होगी, और 18 के SLP के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब 18 का मामला हल हो चुका है तो 2016 अंग्रेजी 826 परिवारों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। सुनवाई 3 फरवरी अब रीट 2021 की जो आज एकलपीठ में सुनवाई थी जयपुर में वो 3 फरवरी को होगी, आज तारीख दे दी गई है जयपुर में फिर। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को स्पष्ट है कि जो सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, जो सोच रहे हैं भर्ती प्रक्रिया रुकेगी कोर्ट में अटकेगी, मेरे हिसाब से नहीं अटकेगी, इसलिए 25 तारीख की तैयारी करो। ये हो सकता है कोर्ट कह दे कि इनको बिठा लिया जाए, और कोर्ट ने ये कह दिया बिठा लिया जाए तो भर्ती प्रक्रिया कैसे रुकेगी बताओ आप, इसलिए जो सोच रहे हैं भर्ती प्रक्रिया रुकेगी, नहीं रुकेगी। और अब निर्णय कोर्ट ये भी कह दे कि नहीं खारिज कर दिया जाए, अब निर्णय कोर्ट को ही करना है, कोर्ट के ऊपर है बिठाए या नहीं बिठाए, कोर्ट को निर्णय करना है। इसलिए ये जरूर कह सकता हूँ मेरे हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पे स्टे नहीं आएगा, भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, इसमें फाइनल निर्णय आएगा, इसलिए लोग 25 अप्रैल की तैयारी करें। SI भर्ती 2027 है भाई,
लाइब्रेरी के लिए मैं बोल चुका हूँ 5000 आज एल टी सी 10029 पदों पर है, ये मामला मेरे संज्ञान में है, 5000 नहीं पूरे पदों पर मैं साथ हूँ। पीयूष खंडेलवाल जी कह रहे बी एड एकता जिंदाबाद, भाई बी एड बी एस टी सी सब एकता जिंदाबाद, बेरोजगार जिंदाबाद, बी एड वाले मेरे भाई बहन है, तुम तो यार ऐसे चाहते हो खिलाफ हो यार, समझ नहीं आता, लेकिन एक दिन नहीं तो एक दिन जरूर समझ में आएगा, जिस दिन फिल्म की जब ये है ना ये जो ड्रामे कर रहा है ना ये लोग, इनके सच्चाई सामने आएगी तुम समझ जाओगे। फाइनल की भर्ती के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया डीएलबी के लिए। पटवारी के लिए कोशिश करें, कंप्यूटर टीचर के लिए भी आज ज्ञापन दिया कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी, शिक्षा मंत्री जी को मैंने आज अवगत कराया है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी अवगत करवाया है कि जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का व्यक्ति कहना चाहूंगा कि अब आप लोग 11 फरवरी की तैयारी करो, इस बार हमें परिणाम मिलेगा ना कि आश्वासन, परिणाम आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप साथ दोगे तो आपकी सिलेबस और आपकी विज्ञप्ति आपके पास होगी बहुत जल्द, इसलिए तैयारी जुड़ जाए 11 फरवरी के लिए। सेकेंड ग्रेड की मैंने बात रख दी। लोकेश मीणा जी आपको इस बात से दूर नजर, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले बीएससी वाला कह रहा था कि हैं, सही कह रहे हो, लेकिन अब इसमें मैं अब विवाद से मेरा क्या रहना, कोर्ट करेगा न्यायालय करेगा, 2012 वाले मामले में बिल्कुल जितनी मदद होगी मैं कर रहा हूं, आपके साथ ही मेरे संपर्क में है। नहीं ये देखिए क्योंकि कई लोग अचानक उनको पता चला, अचानक मैं लाइव आया हूँ क्योंकि अब 11 फरवरी की तैयारी के हिसाब से मुझे लाइव आना पड़ा। विशेष शिक्षकों की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आनी चाहिए बिल्कुल भैया। एक चीज हो रहा है 11 फरवरी का जो आंदोलन हो रहा है ना, मैं स्पष्ट कह दूं फिर मुझे दोष मत देना, भीड़ तो होगी, हजारों की भीड़ होगी, वो तो आपको पता लग जाएगा कैसे होगी, वो हमारी रणनीति बन चुकी है, आंदोलन भी ऐतिहासिक होगा, जीत भी होगी, लेकिन जो घर बैठे ना ज्ञापन तो दे दिया और वो हमारा सहयोग नहीं किया आंदोलन में, उस ज्ञापन को उस मांग को हम हटा देंगे। जो योद्धा युद्ध के मैदान में रहेंगे, युद्ध के मैदान में हमारे साथ रहेंगे, उन्हीं की मांग प्राथमिकता के साथ रखी जाएगी और उनका काम भी होगा। अब देख लीजिए जो हमारे से आंदोलन में शामिल साथ देना चाहते हैं मुझसे संपर्क करिए जरूर। पच्चीस अप्रैल की महावीर जयंती है लेकिन मेरे दोस्त बेरोजगारों का सबसे बड़ा त्योहार है रीत। जेएन एग्जाम डेट के लिए भाई पटवारी जेएन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। फर्जी डिग्री की जांच हो, मेघराज जी सही कह रहे हो, फर्जी डिग्री की जांच होनी चाहिए। स्पेशल टीचर की मैंने मांग रख दी थी रेट में, हनुमानगढ़ नहीं आ पाऊंगा मैं, कैंसिल हो चुका है, 24 को सुजानगढ़ है, उसके बाद दिल्ली की तैयारी में लग जाएंगे। रीट 2016-17 के लिए विनय जी पूरी कोशिश करूंगा, वादा है। एसएस मीणा जी बी लेवल ओनली बीएसटीसी, अब ये न्यायालय ही फैसला करेगा, आपके एडवोकेट के पैर भी और न्यायालय का जज साहब का फैसला वो ही तय कर पाएगा कि क्या होता है इसमें, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, पाले न्यायालय के हाथ में, न्यायालय के पाले में है, वहीं से कुछ होगा। हनुमानगढ़ का दौरा स्थगित इसलिए कर दिया दोस्त, 24 तारीख के बाद मुझे वहां, अब 11 तारीख है तो मुझे आगे की तैयारी करनी पूरी, रुकने की खाने की रहने की सारी तैयारी करनी पड़ेगी, माँ पड़ा होगा तो वहाँ रुकेंगे चलेंगे बैठेंगे सोएंगे, उसकी पूरी तैयारी करनी। हाई कोर्ट ग्रुप डी आर, हाई कोर्ट में तो क्या बताएं, हाई कोर्ट में किससे बात करें, ये भी दिक्कत है। बंसीलाल जी ये बात सही कह रहे हो, इस चीज के लिए मैं समर्थन करता हूँ, अगर बीएड वाले बीएसटीसी में साथ में बैठ रहे हैं तो बीएसटीसी कॉलेज बंद करना चाहिए, बिल्कुल सही है, बीएसटीसी कॉलेज राज्य सरकार को बंद कर देना चाहिए, बीएड करवाना चाहिए, जिससे फालतू की ये कोई मतलब नहीं है, बीएसटीसी कोर्स बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये तब हो जब न्यायालय कह दे, तो अब न्यायालय में है जो होगा जो अब 2 या 3 तारीख को सामने आ जाएगा। जोधपुर भी आसन भाई थी, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती वाले 1005 तैयार हो तुम,
वाटर वाहन वाला मैं बता रहा हूँ अभी जो कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, कैंसिल हो गई थी जल्दी, कब कैबिनेट की मीटिंग आयोजित होगी? क्या मैसेज खत्म ही नहीं हो रहे? न्यू पीटीआई की भाई मांग रख रहे हैं आपकी, सुरेश डाका जी, कोई विशेष थोड़ी आ रहा है मैसेज, देखना कोई मेरे पास कोई लेट चल रहा है नेट। स्टेनोग्राफर देखो, स्टेनोग्राफर यथावत अभी और अभी तक जो नए चेयरमैन और सचिव आएंगे उसके बाद में मुलाकात करके जो स्थिति में स्पष्ट करूंगा। गणेश मिणा जी कह नीट की डेट बढ़ाओ भैया, नहीं बढ़ाना मैं इस पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल। किशन जी आप कह रहे हो बीएसटी वालों ने आपने बिठाया, अब सही हो कोर्ट का फैसला आने के बाद सही? देखो अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कोर्ट का फैसला आ जाता फिर मैं कहता कि नहीं बीएड वाले बैठ सकते हैं, नहीं ये है, नहीं मैं किसी के साथ नहीं हूँ, स्टेट चेंज कर रहा तब कहते हैं, क्योंकि मुझे इस विवाद में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा आज तक कह रहा हूँ सबसे ज्यादा मैंने एसटी से ज्यादा बीएड वालों का साथ दिया, भला किया, लेकिन आपस में वो उधर गाली देगा उधर गाली देगा, क्यों यार मैं क्यों गाली खाऊं, मैंने जितना कर दिया जो कर दिया कोर्ट करेगा, कोर्ट का निर्णय मैं मानूंगा, कोर्ट करेगा जो सर्वमान्य होगा। एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, ये जेएन डिप्लोमा आ रहा बार में से एक चीज और बता दूं, मामला मान लीजिए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में फाइनल होगा, डिवीजन बेंच ने कह दिया कि बीएड वालों को बिठाया जाए या कह दिया बीएड वालों को नहीं बिठाया जाए, तो बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और कह दिया बिठाया जाए तो बीएसटीसी वाले जाएंगे, मामला तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, दोनों जाएंगे। अब निर्णय सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे, भैया निर्णय कोर्ट से न्यायालय से होना है, तो प्लीज दोनों पक्षों से मेरा निवेदन है कि मुझे नए लपेटे मिले न घसीटे, अब निर्णय कोर्ट को और आपके एडवोकेट्स को करवाना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब निर्णय न्यायालय करना। मैं बार बार इस लाइव में 50 बार बोल चुका हूं, क्यों बोल चुका हूं, क्योंकि जो क्या कहूं यार, छोड़ो इस चीजों को, मैं शोभा नहीं देता उन छप्पड़गंजों के बारे में बोलने की, क्योंकि वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। ग्यारह फरवरी को लेकर आपने घोषणा कर दी है दोस्तों, अब मैं काफी समय से लाइव रह गया, पटवारी वाला मुझे बता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू बंटी भाई, धन्यवाद। देखो जो रीट 2021 में एक ही व्यक्ति का कई विषयों में चयन हो जाता है, उस समस्या का हल करवाने के लिए मैं मिला था, तो सौरभ जी जो निदेशक मोदी जी है उन्होंने कहा था कि हम एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, एक व्यक्ति का एक ही विषय में चयन होगा, तो ऐसे में आप लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। जितना प्रयास किया फिर तुम कहोगे ना कि एसएस वालों का हिंदी में हो गया संस्कृत में हो गया, अब इसमें भी आपको राहत मिल रही है, एक इसमें सॉफ्टवेयर तैयार हो रही है, आपकी मैंने बात रखी है, क्या ये आपको राहत नहीं मिली? फिर ये कॉपी पेस्ट नेता आएंगे कि हमने ये करवा दिया, वेटेज हमने कम कराया उसकी करे, हमने ये करवा दिया, फिर तू खुद की भर्ती तो करवा ले, क्या वेटेज कम करवाएगा, हमारे दम पे करवाए, अब फरवरी में जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी कई काम करवाएंगे, हमारे दम पे करवाएंगे, दम है हमने, सीना ठोक कहते हैं किसी के बाप से डरते नहीं है, ठीक है ना। और रही बात ये जो बार बार आप समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो ये जो मैं जिस प्रकार से विवाद से हट रहा हूं, हटने का कारण क्या है कि बीएड वाले मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे भाई बहन है, मेरे परिवार में मेरी भी सिस्टर है इसमें बीएड में, एसटीसी वाले मेरे भाई बहन है, इसलिए सब मेरे भाई बहन है, मैं इन लोगों को जोड़ के रखना चाहता हूँ, तू उनको दुश्मन बना के दूर करना चाहता है, मैं जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए जो मैं निर्णय ले रहा हूं मैं बेरोजगार हित में ले रहा हूं। बहुत फोन आ रहे हैं दूसरी जगह से भाई, वाह राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो मेरी अधिकतर जिंदगी बहुत पूरा हो चुका है दोस्तों, जो एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, जो मांग पत्र में आप लोगों ने मुझे मांग दी है
वो हमारे मांग पत्र में शामिल है, उसी को लेकर हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। 11 फरवरी को समय स्थान आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये लड़ाई हमारी आरपार की है, सिस्टम के खिलाफ है, सभी लंबित भर्ती को पूरा करवाने के लिए है, नई भर्तियां निकलवाने के लिए, 12 राज्यों का कोटा समाप्त कराने के, तमाम मांगों को लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, है ना। बार बार रिपीट करने कोई मतलब नहीं, अब 11 फरवरी की तैयारी करो। और एक बीच में और आके आपको अवगत करवा दूंगा, 10 आपको एक और वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। लेकिन इस बार लड़ाई का ऐलान जो किया है वो आश्वासन के लिए नहीं है, इस बार परिणाम के लिए। जल्दी दोस्तों नई वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।